अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ अफोर्डेबल स्किन केयर प्रोडक्ट्स शेयर कर दूं फॉर टीनएजर्स। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे स्किन के एसेंशियल्स हैं, हमें डेली रूटीन में यूज़ करने होते हैं, प्लस ये अफोर्डेबल भी है, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। और ये हम नॉर्मली जब हम आफ्टर फेस वॉश ये सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, ये वो प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं फेस वॉश से। मेरे पास ये हिमानी का फेस वॉश है, ये उपटन है, इसके अंदर रोज संदर टर्मेरिक भी ऐड है, ये हिमानी का है, ठीक है। ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। इसमें जो है ये एक फॉर्मिंग फेस वॉश है, इसके साथ एक आपको क्लिनजिंग ब्रश भी मिलता है, इस तरह से होता है, ठीक है। आप क्या करते हो, उसको प्रेस करते हो तो इस तरह से फेस वॉश जो है वो आ जाता है और इससे आप अपने फेस पर पूरी क्लिनजिंग कर लेते हो। तो इस क्लिनजिंग ब्रश का जो एक बेनिफिट है वो ये है कि ये आपके स्किन पर अच्छे से मसाज कर लेता है, प्लस आपकी ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्पफुल रहता है, और इसके अलावा आपके फेस से रिमूव कर देता है सारे मेकअप को और डर्ट को। ये उपटन वाला है, ठीक है, ये भी सारे स्किन टाइप्स के लिए है। अगर आपने कभी टर्मेरिक या उपटन को यूज़ करके अपने स्किन पर देखा हुआ है, आपको लगता है कि हाँ वो सूट कर लेता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये है हमारे पास नेक्स्ट वाला इसका फ्लेवर, ये सैफ्रॉन का है, ज़ाफ्रान से कहते हैं, ये फॉर्मिंग फेस वॉश है, ये भी ये स्किन ब्राइटनिंग के लिए है, और इसमें रोज़ वाटर और ज़ाफ्रान के अलावा और कुछ भी ऐड नहीं हुआ हुआ। ये भी तमाम तरह के स्किन टाइप्स के लिए है, दोनों ही रिड्यूस करते हैं पिगमेंटेशन और स्किन को ब्राइट कर देते हैं। इसके साथ भी आपको यही ब्रश मिलेगा, इससे भी आप अपनी स्किन को इसी तरह से सेम ही वे से इसको मसाज करेंगे अपनी स्किन को, ठीक है। तो ये दो तरह के फेस वॉशेस हैं, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपसे एक स्किन केयर जो है रिव्यू वीडियो शेयर करी है, दैट इज़ ऑल अबाउट साइडगनी प्रोडक्ट्स। उसके अंदर भी कुछ फेस वॉशेज हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। अगर आप इन फेस वॉशेज के अलावा, क्योंकि ये थोड़े से मेरे ख्याल से एक्सपेंसिव है, उस फेस वॉशेज को अगर हम कंपैरिजन में रखें साइडगनी के और इसको, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर आप उन फेस वॉशेज की तरफ जाना चाहते हैं तो आप उनके बारे में भी मेरी रिव्यू वीडियो अबाउट साइडगनी प्रोडक्ट्स वो वीडियो चेक करिए, उसके बाद आप अपने हिसाब से उसमें से फेस वॉश डिसाइड कर लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फेस वॉश के बाद बेबी लोशन, ठीक है। हमारी जो टीनएजर्स स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है, उसके ऊपर हमें कोई भी केमिकल प्रोडक्ट्स नहीं अप्लाई करने चाहिए, तो हम बेबी लोशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा केमिकल्स नहीं होते हैं, प्लस ये हमारी स्किन को सॉफ्ट कर देता है और हमारी स्किन के कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये होता ही फॉर सेंसिटिव और बेबी स्किन है। इसके अलावा अगर आप फॉर हैंड फॉर बॉडी लोशन चाहते हैं तो वो भी हम जॉनसन्स का ही यूज़ कर रहे हैं, ये जॉनसन्स का ही बॉडी लोशन है, इसके साथ रोज़ वाटर भी ऐड है। अगर आप मॉइस्चराइजर्स के लिए एक प्रॉपर रिव्यू वीडियो चाहते हैं देखना, तो वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, जिसमें मैंने मॉइस्चराइजर्स फॉर ऑयली स्किन फॉर ड्राई स्किनर्स दोनों के ही लिए रिव्यू शेयर करा हुआ है कि आपको कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप इन मॉइस्चराइजर्स के अलावा किसी पर जाना चाहते हैं तो आप वो मेरी वीडियो भी ज़रूर देखिए, वो मेरे चैनल पर मौजूद है। इसके बाद हम आ जाते हैं वैसलीन पर पेट्रोलियम जली, इसको हम चाहिए कि हम अपने लिप्स पर लगाएं, इससे हमारे लिप्स सॉफ्ट हो जाते हैं, प्लस हमारे लिप्स से जो डेड स्किन होती है वो भी रिमूव हो जाती है। तो टीनएजर्स के लिए ये बेस्ट रहता है। अगर आप वैसलीन की तरफ नहीं जाना चाहते तो फिर आपके पास ये भी एक ऑप्शन मौजूद है, ये एक लिप बाम है, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंट फ्लेवर्स मिल जाते हैं, लेकिन आई थिंक ये सेम ही होता है, सिर्फ कलर डिफरेंस ही होता है। तो इसकी तरफ भी आप जा सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा रहता है, सॉफ्ट कर देता है लिप्स को। और अगर आप थोड़ा सा ग्लॉसी शेड में जाना चाहते हैं लिप बाम की तरफ, तो फिर आपको ये वाला जो है वो चेक कर लेना चाहिए। ये आपकी थोड़े से लिप्स को जो है वो ग्लॉसी सा शेड भी देता है, टिंटेड ऑरेंज शेड जो होता है वो इसका होता है, ठीक है। ये भी मेरी तरफ से प्रेफर्ड है, आप ज़रूर यूज़ करें। अगर आप इन दोनों की ही तरफ नहीं जाना चाहते, अगर आपको नहीं मिल रहा, तो वैसलीन तो आई थिंक हर किसी के घर में ही मौजूद होती है, तो फिर आप सिर्फ वैसलीन की तरफ जाएं। अब अगर हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो हमारी स्किन केयर में एसेंशियल एक सनब्लॉक होती है। सनब्लॉक जो है वो हमारी स्किन को लाइट से, यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करती है, और प्लस हमारी स्किन जितनी भी हम सनब्लॉक लगा लें उतनी हमारी स्किन सेव रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सनब्लॉक भी आपके साथ एक मैंने शेयर कर दी है। ये सनब्लॉक जो है ये थोड़ा सा वाइट कास्ट छोड़ती है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही छोड़ती है, ठीक है। अगर आप
ऐसी सनब्लॉक की तरफ जाना चाहते हैं जो बिल्कुल वाइट कैस्ट ना करे, तो फिर आप रिवाज या और भी काफ़ी सारी जो है वो होती हैं सनब्लॉक, उनकी तरफ आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे अफोर्डेबल स्किन केयर रूटीन फॉर टीनएजर्स की वीडियो जो है वो ख़त्म हो गई है।